तो गाइज मैं आप सबका अपना ट्रैवल लवर पीबी 35 खैरियत आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज आज मैं अपने नानी घर आया हुआ हूँ फिर से। सो मैंने सोचा आज मैं फिट रहा था यूं ही, तो मैंने सोचा चलो आप सबके लिए ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ के फ्लाईओवर बताता हूँ और झरने बताता हूँ, और आज का मौसम देखिए कितना सुंदर हुआ पड़ा है, और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा डलहौजी में। आज देखिए आप धुंसी भी कितनी हुई पड़ी है, वो देखें ऊपर, वो मैं जूम करके बताता हूँ। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। एंड गाइज मैं छोटा सा क्लिप डाल रहा हूँ अपनी भांजी का, वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मामू मैंने बोलना है हेलो फ्रेंड्स। सो आप देखें थोड़ा सा, एंड फिर उसके बाद मैं आपको सारा व्यू बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपना ट्रैवल लवर पीपी 35, और खैरियत आप बढ़िया हो? सो गाइज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है, ये देखें और वो देखें कितनी खतरनाक पेड़ के ऊपर, खाई के ऊपर बिल्कुल चढ़े हुए हैं वो, अपने एनिमल्स के लिए वो पत्ते तोड़ रहे हैं, पनू तोड़ रहे हैं। हिमाचल में पनू कहते हैं, मतलब कि पंजाब में जैसे पट्टे कहते हैं, और ये हिमाचली खुद ही अपने उसका इंतजार बनाते हैं पेड़ों से तोड़कर। और ये रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत देखिए गाइस सामने झरना कितना सुंदर है। वो देखिए आस दूर दूर तक, इतना बढ़िया मौसम है। और ये देखें ये वो फ्लाई ओवर है, देखिए कितनी कितनी अच्छी इंजीनियरिंग की गई है किसी ने, देखिए कितना अच्छा तरह बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया है, वो कितना लंबा है। ये गाइज अराउंड 80-90 मीटर का फ्लाई ओवर है। और गाइज आपको पता है जो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये यहाँ पर पहले पुराना पुल होता था, पुराना पुल मतलब लोहे का पुल होता था, फिर यहाँ से बसें जाती होती थी यहाँ से करो। पर आपको पता है कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इस जब यहाँ पर पुराना पुल नहीं होता था ना, तो इसी मतलब कि जैसे ये खड्ड है, इस खड्ड बोलते हैं, इस खड्ड के बीच में से बसें होके जाती थी, जब पानी ऐसे जैसे अभी रेनी मौसम है, बरसात का मौसम आ रहा है, तो बरसात के मौसम में यहाँ पर बहुत सारा पानी हो जाता है, फिर पैसेंजर्स को बड़ी ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी यहाँ पर। भाई मैं सीरियसली गाइस आपको बोलता हूँ, यहाँ नज़ारा सिर्फ हिमाचल में, वो देखें आप, वो देखें, मैं जूम करके बताता हूँ, वो देखें, ये पता नहीं कहाँ पीछे पहाड़ियों से बहकर आता झरना, वो देखें ऊपर, वो देखें ऊपर कितना सारा अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, और वो देखें, देखकर ही मजा आ जाता है। और ये गाइस सरकारी स्कूल है बच्चों का, जो ऐसे आंगनबाड़ी स्कूल होते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकेंड आई थिंक। और ये देखें बरसात के कारण कितनी हरियाली हुई पड़ी है, कितना सुंदर दिख रहा है ये व्यू। सो फाइनली हम फ्लाईओवर के ऊपर आ गए, ये देखेंगे ये रोड कितना अच्छा लग रहा है देखने में, दिल को भा जाता है। ये देखें कितनी खूबसूरत वादियां है ये ढोसी की, और ये रास्ता नीचे जाता है, ये अभी ग्राउंड बनाया है, यहाँ पर पहले काफी ज्यादा गंदगी थी, अभी यहाँ पर शाम को बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, और वो रहा स्कूल। ये रहा वो पुराना रोड है सामने, वहां से बसेस घूम के आती थी, वहां से उतरती थी, और वहां से होती हुई यहाँ से आती थी घूमकर बसेस, जो यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बना हुआ था। यहां से व्यू देखें आप, ये देखें कितनी ऊंची पहाड़ी है, वो देखिए किसी के एनिमल्स कहाँ पे ऊपर हाइट पे हैं।
सो गाइस शुक्रिया, आज का ब्लॉग इतना ही छोटा सा बनाया मैंने मैंने सोचा चलो आज छोटा सा बना देते हैं और मैं आपको आगे थोड़ा सा और भी बताता हूँ। सो गाइस हम नीचे जा रहे हैं, अब मैंने सोचा चलो आप लोगों को अभी मैं बता ही लाता हूँ नीचे से जहाँ से बसेस जाती थी। ये था वो रोड, अब रोड की हालत देखें, बरसात का मौसम है ना, बरसात के मौसम के कारण रोड की हालत कैसी हो चुकी है। और शाम को बच्चे यहाँ पर बैटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ यहाँ पे। अगर आज शाम को आए तो मैं डेफिनेटली आपको क्रिकेट का शॉट भी बीच में दूंगा खेलते हुए बच्चों का। यहाँ पर यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। और ये देखिए अभी यहाँ पर पानी कम है, ये अब यहाँ पर वो फ्लड आता है तो पानी का लेवल एक्सट्रीम लेवल वहां पर ऊपर तक, वहां तो ऊपर ऊपर तक चले जाता है। और वो देखिए ये स्कूल रहा, वो स्कूल के ऊपर मंदिर, वो दूर दूर तक पहाड़ियां देखें। और कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है यहां से, ये देखिए, ये देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है यार देखने में, पानी बहता हुआ इतना, देखो बिल्कुल साफ पानी, एक एक चीज दिखाई दे रही है पानी में भी। वो देखिए ऊपर से जो झरना बहकर आ रहा है। सो गाइज आज के ब्लॉग में यही था, थैंक यू गाइज। आज अगर आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगा सब्सक्राइब करें चैनल मेरा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें एंड शेयर करें। धन्यवाद गाइज, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में गाइज मैं आपको चिकन रेसिपी बताऊंगा, हिमाचली चिकन रेसिपी हम ओपन में बनाएंगे। सो आप जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करें एंड वीडियो को जरूर शेयर करें जितनी से जितनी हो सके। धन्यवाद गाइज़।